उद्घाटन से पहले बीजेपी की मोर्चाबंदी, स्थानीय पदाधिकारियों ने की मांग पहले नौकरी दो। 18 दिसंबर को प्रारंभ हो रही होम फर्निशिंग कंपनी आइकिया के खिलाफ बीजेपी पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। तुर्बे में आज पूर्व नगर सेवक अमित मेटकर एवं अंकुश मेटकर समेत अन्य पदाधिकारियों ने नागरिकों के साथ मोर्चाबंदी की और आइकिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमित मेटकर ने कहा कि आइकिया तुर्बे के युवाओं को नौकरी देने में पक्षपात कर रही है। उन्होंने मांग की कि पहले स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी दो, फिर उद्घाटन करो। बता दें कि आइकिया 3000 कर्मचारियों की भर्ती कर चुकी है। तुर्बे के बाहर के लोग, जहाँ तक तुर्बे ही नहीं, तुम मुंबई के साइड से, नई मुंबई के लोगों को काम नहीं दिया है, मुंबई के साइड से, फिर पुणे साइड से, फिर मतलब अदर जो हमारे जितने भी सिटीज है, नई मुंबई छोड़ के थाना है, वहाँ के लोगों को यहाँ पर प्रायोरिटी, थाना से लोग आ रहे हैं, वहाँ पर मीरा भाईंदर से लोग आ रहे हैं, पर यहाँ के स्थानिक लोगों को यहाँ पर जॉब नहीं है। और ख़ास करके हम लोग कोई यहाँ पर बड़ी मांग नहीं कर रहे, हम लोग उनको बोल रहे कि हमारे पास अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा है, तो वो हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी में खुद से काम करने की वो इच्छा रख रहे, तो वो लोग को उसमें, वो किसी ना किसी को तो जॉब देने ही वाले, तो हमारे लोगों को जॉब देने में उनमें क्या दिक्कत है। हमने उनसे यही मांग की है कि आप लोग हमारे लोगों को पहली प्रायोरिटी दिए, उनका आप एग्जामिन करिए, उनका इंटरव्यू ले लीजिए, अगर वो फिट है तो दीजिए, नहीं फिट है तो मत दीजिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो दीजिए। 1.5 लाख लोगों में क्या 400-450 लोग मिलेंगे नहीं, ऐसा आप लोगों को लगता है क्या? आप लोग मुझे बताइए कि 1.5 लाख की ये बस्ती में क्या 400-500 लोग मिलेंगे नहीं फिट? तो ये आप खुद भी जानते हो कि कंपनी की तरफ से सरासर नाइंसाफी हमारे लोगों पे हो रही है, और जिसका हम आज यहाँ पर तीव्र विरोध कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी पदाधिकारियों ने आइकिया प्रबंधन को ज्ञापन सौंप कर नौकरी देने की मांग की थी, और मांग की उपेक्षा करने पर ही आंदोलन की चेतावनी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।